जैन भाइयों, आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है कुछ खास, खासकर मेरे उन छोटे भाइयों के लिए जो भर्ती होना चाहते हैं आर्मी और पुलिस में। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके पास भर्ती होने के लिए वक्त बहुत कम होता है, 3 महीने या 4 महीने। तो इसलिए आप चाहे कोई ट्रेनिंग कर रहा है या कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाह रहा है तो अपना एक हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लें। हेल्थ चेकअप में कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो एक अच्छा डॉक्टर आपको लिख देगा। फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या कराना है और कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपको 1600 मीटर एक्सीलेंट लगानी है तो उसके लिए आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपकी रेस के लिए भी और जो आप हर रोज़ ट्रेनिंग करते हो उसके लिए भी। मान लो आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी इंडोरेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? आपका हीमोग्लोबिन आपकी मसल को पहुंचाता है ऑक्सीजन। अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो मसल को चाहिए होगी मोर ऑक्सीजन, यानी कि और ज़्यादा ऑक्सीजन। अगर आप और तेज़ दौड़ना चाहते हो तो और ऑक्सीजन। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हीमोग्लोबिन आप अपना अपग्रेड रखो, एक एक्सीलेंट लेवल पे रखो। अगर यही चीज़ आप कम रखोगे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी मसल तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी और आप उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आपको लॉन्ग जंप लगानी है, लॉन्ग जंप में आपकी मसल को ज़रूरत होती है एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ की और स्पीड की, और आपकी मसल की स्टेटस जानने के लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए आपका क्रिएटिन, टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी। अगर ये कम है तो आपकी मसल उतना रिस्पॉन्स नहीं देगी और आप अपनी कैपेबिलिटी जो दे सकते थे इन चीज़ों की कमी होने के कारण नहीं दे पाओगे। इसलिए भाइयों, ये टेस्ट आप ज़रूर कराना। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई भाइयों को पेन हो जाता है, उनके बहुत दिन ख़राब हो जाते हैं, पेन में फिजिकल देने जाते हैं। तो आपको आपका इंजरी रिस्क जानने के लिए आपका TSH, HS, CRP ये ज़रूर चेक कराएं, और इनको पूरा करने के लिए डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाओगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये मेडिसिन आप ले लो। तो डॉक्टर से ही पूछ के ये सभी आपको करना है, ना कि आप किसी और से पूछें, आपको कोई सप्लीमेंट दे दे और वो आपके किसी काम का ना हो, आपके शरीर में उस चीज़ की कमी ना हो और आपने वो ले लिया तो भी नुकसान है। मान लीजिए आपका प्रोटीन पूरा है आपकी डाइट से और आपने कोई प्रोटीन पाउडर ख़रीद लिया और अब आपका प्रोटीन ज़्यादा हो गया और यूरिन से जाने लगा, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो आपकी किडनी पे सीधा इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय घट जाएगी। इसलिए कोई भी स्टेप उठाने से पहले आप एक हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। जो भाई कहते हैं कि मैं बहुत थका थका रहता हूँ, मैं अगर सुबह ट्रेनिंग करके आया तो शाम को बहुत थक जाता हूँ, शाम की ट्रेनिंग में उतना अपना एफर्ट नहीं दे पाता, उसके पीछे कोई और कारण नहीं है भाइयों, उसके पीछे है आपकी हेल्थ। जो भी आपके शरीर में कमी हो जाती है तो ये चीज़ें सामने आने लगती हैं, किसी की मसल पेन कर रही है, किसी की थकावट बहुत ज़्यादा है, 2-3 दिन तक रिकवरी नहीं हो पाती कोई वर्कआउट करने के बाद। तो आप भाइयों, मैं बार बार कह रहा हूँ, हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप और हेल्थ चेकअप। अगर जैसे ही आपका हेल्थ चेकअप कराने के बाद आप जो भी डॉक्टर मेडिसिन देता है वो आपका एक्सीलेंट लेवल पे हो जाता है। एक्सीलेंट लेवल
हो जाने से मतलब है, एक तो होता है स्वस्थ आदमी को जीने के लिए ओके, मान लो एक एग्जांपल ले लो विटामिन डी से ही, आपका विटामिन डी चेक करा तो आपका मिला 20, आपने कुछ मेडिसिन ली वो हो गया 50, तो 50 एक गुड सिंपल किसी आदमी को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ठीक है, लेकिन एक ट्रेनिंग करने के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए उसको आपको लेके जाना पड़ेगा 100 तक। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप एक एक्सीलेंट लेवल तक अपने सारे टेस्टों को कराने के बाद अपग्रेड करें। और भाइयों एक और मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, दोनों ही नुकसानदायक हैं, तो उसको एक लेवल पे रखने के लिए आप अपने टेस्ट हर 2-3 महीने में कराएं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ते रहे और आप ट्रेनिंग करते रहो और आप जो सक्सेस होना चाहते हो वो आपको मिलती रहे। अगर किसी ने अपना हेल्थ चेकअप पहले से ही करा रखा है और उसका ओके है तो वो भी अपना एक्सीलेंट लेवल तक जाए। अगर किसी का हेल्थ चेकअप हो रखा है और उसके सभी पैरामीटर्स एक्सीलेंट लेवल पर हैं तो भाइयों मैं कहना चाहूँगा आपकी ट्रेनिंग साइंटिफिक और सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं चल रही, और उसको मैच करने के लिए हम अपनी वीडियोस डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने 5 कंपोनेंट्स की बात की थी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे और एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देंगे शायद जो आपको अभी तक नहीं मिली हो। तो भाइयों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।